नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। कौन होगा 2019 का 20? तमाम सियासी दल अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं, लगातार डेली डायरी आपको अपडेट कर रहा है। और इस सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं बीएसपी के खेमे में। बीएसपी के कई नेता यूपी संगठन से आउट किए हैं मायावती ने। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी संगठन से कई नेताओं को आउट कर दिया है और उनके पद से उनको मुक्त किया गया है। बीएसपी कई नेताओं का यूपी के पार्टी संगठन में दखल खत्म कर दूसरे प्रदेशों में उन्हें लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय कमेटी में जितने नेताओं पर भी मायावती ने एक्शन लिया है वो सभी वेस्ट यूपी से जुड़े हुए हैं। अब स्टेट लेवल की लखनऊ में होने वाली बैठक पर भी सभी की नजर है और माना जा रहा है कि जिला, मंडल और जोन स्तर पर भी मायावती जल्द बड़ा फेरबदल कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी पर अपशोभनीय टिप्पणी करने वाले के खिलाफ उन्होंने अनुशासनहीनता का जद में आए नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश पर दोहरी कार्रवाई कर दी है। उन्हें पहले पद से हटाया गया और बाद में पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है और इसी के साथ दूसरे सीनियर नेताओं के खिलाफ भी सख्ती दिखाई है मायावती ने। आपको बता दें, मायावती ने संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल कर बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां भी बदल दी हैं। तो मायावती का ये बदलाव क्या कुछ रंग लाता है 2019 में, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। डेली डायरी की रिपोर्ट।